गाइज आप तक तो सबको पता चल गया कि फ्री फायर प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि फ्री फायर मैक्स भी अब प्ले स्टोर पे से हटा दिया जाएगा। तो क्या इसकी वजह से पिछली बार की तरह इस बार भी बंदे लोग सुसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत पैसा जा चुका है इस पे? फिर तो यार बहुत गलत हो जाएगा, मतलब बंदों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो गाइज यार यहाँ पे मतलब आप लोगों को इसकी ट्रूथ मतलब सच्चाई जानना जरूरी है कि आखिर क्या होने वाला है और क्या चल रहा है, ताकि पिछली बार की तरह इस बार किसी के साथ कोई स्कैम ना हो और कोई मतलब कोई गलत कदम ना उठा ले। तो गाइस वीडियो को चलो शुरू करते हैं और गेरिना फ्री फायर की जो पूरा पोल खोलते हैं, ठीक है? तो उससे पहले वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। तो इन छोटा सा इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, हो सके तो हेडफोन लगाना। गाइस यहाँ पे जो लोग मतलब जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, तो गाइस ये बात कितनी सच्चाई है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और बाद में चैट सेक्शन में अपना राय बताना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर सही हूँ, ठीक है? गाइस ये जो फ्री फायर है और फ्री फायर मैक्स जो है दोनों एक ही गेम है, बराबर है, एक ही आईडी से दोनों गेम आप खेल सकते हो। लेकिन गेरिना कंपनी को क्या है, दोनों के लिए अलग अलग टीम बना के सैलरी पे बंदा रख के ये सब रेडी सेट करना पड़ता है, तो उसको वहाँ पे डबल पैसा वेस्ट हो रहा है एक ही गेम के ऊपर। अगर एक बंद हो जाएगा तो सभी सारे बंदे क्या करेगा, कोई गेम छोड़ तो नहीं सकता ना। 70-80 लेवल हो गया, 10-10-20-20 हज़ार रुपये लगा के रख दिया, अभी क्या उसको खेलना पड़ेगा, उसके लिए उसको फ्री फायर मैच की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब अगर एक ही गेम रहेगा तो उसका एक ही टीम पूरा सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो कहीं ना कहीं एक चाल हो सकता है, पर मेरे को इसका रियलिटी नहीं पता है, पर मैं ये मेरा सिचुएशन मतलब मेरा सजेशन है, ठीक है, बाकी मेरे को नहीं पता। अब यहाँ पे जो दिख रहा है पबजी कंपनी ने केस किया है इसके ऊपर कि ये जो अभी के मतलब अभी जो अपडेट आ रहा है ना, ये अपडेट में जो भी फ्री फायर लेके आ रहा है पूरा पबजी को कॉपी कर रहा है, मतलब जो ग्राफिक्स है और थोड़ा बहुत आइटम्स है, तो ये खास करके ये जो नया मैप आया है ना, तो इस मैप में इसको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पबजी को कॉपी, और बहुत सारे बंदों को भी ऐसा लगता है कि कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पे आप लोग एक बात बता दूँ, ये कोई कॉपी है नहीं, क्योंकि यार ये तो बैटल ग्राउंड है। अब पबजी बोलो और फ्री फायर बोलो, बाकी जो जितना सारे गेम्स है ना सारे बैटल ग्राउंड से, तो पूरा बैटल ग्राउंड से एक ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैंने सवाल किया था कि अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये साफ साफ बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा दिन में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अभी क्या है ना, आपके पास जो चल रहा है चलने दो, और मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है? थोड़ा दिन में ये सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? और बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और गाइस कोई डिप्रेशन में मत जाना, कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि पिछली बार ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था, दो बंदों के साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया था, तो दो बंदे ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है? तो कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाना मेरे को ज़रूरी लगा। बस कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है?